तो यार अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं इमरजेंसी में ऊपर आया हूँ चेक करने के लिए कि अंडे में से बच्चा निकला है कि नहीं निकला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि बच्चा जो है ना बिल्कुल अंदर बिल्कुल बना हुआ है और उसको निकलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है अंदर बच्चा बहुत वीक है जिसकी वजह से ये ना अंडे को तोड़ नहीं पा रहा, तो मुझे हेल्प करनी होगी इसको बाहर आने में। तो इसमें से आवाज़ें भी आ रही हैं बच्चे की। सुन रहे हैं आवाज़ें? जब पूरा बच्चा बन चुका होता है ना इस तरह की आवाज़ें निकालता है तो मैं जल्दी से इसको तोड़ता हूँ। अगर मैं रात को सो जाता और इसको ना देखता तो मसला हो सकता था, ये मर भी सकता था अंदर। एहतियात से करना होगा यार मुझे। शुक्र है यार मेरे जहन में आ गया था कि मैं चेक कर लूँ कि बच्चा यार अभी तक निकल आना चाहिए था। तो मैंने देखा तो ये सीन था और देखें कैसी आवाज़ें आ रही हैं, ये देखें। तो अभी इसकी चूँच आप देख सकते हैं बच्चे की, इसके अंदर ही है। तो इसकी मैं मज़ीद हेल्प करता हूँ निकलने में। अरे भैया फिर ये खुद निकल आएगा। मुझे हल्का सा डर भी लग रहा है क्योंकि मैं ये काम फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तुराब ने तो किया हुआ है, वो होता तो वो इतना ना डरता शायद। मुझे काफ़ी डर लग रहा है। ये देखें बच्चा नज़र आ रहा होगा आपको, ये बिल्कुल ठीक है और बस वीक है जिसकी वजह से ये अंदर से निकल नहीं पाया। ये देखें डबल शेल में है, पता नहीं क्या हो जाए क्यों नहीं निकल पाया। एक तो देखें ना, एक शेल आप ये देख रहे होंगे ये वाली, इसके नीचे एक और भी है डबल शेल है, पता नहीं ऐसा क्यों है, शायद इसकी वजह से ही बच्चा फंस गया अंदर। तो यार इतना काफ़ी है, अभी मैं क्या करता हूँ इसको दोबारा रख देता हूँ कबूतरी के नीचे और ये सुबह तक निकल चुका होगा इंशाल्लाह। तो यार यहाँ से मैं तुड़ी निकाल लेता हूँ इस तरह से और इसके अंदर रख देता हूँ ताकि जब नरम हो जाए, क्योंकि काफ़ी हार्ड है ये देखें ना, काफ़ी देखें कांटे तक रखे हुए यार यहाँ पे। वापस क्योंकि इसको ठंड ना लग जाए, अभी इसको हीट की ज़रूरत है, उम्मीद है मुझे। तो यार बात यह है कि मैं सुबह सुबह उठते ही फौरन ऊपर आया हूँ और मैं चेक करने लगा हूँ कि उस अंडे में से बच्चा निकला है या वो ज़िंदा है मर गया है यार। तो अभी चेक करते हैं, आपने दुआ करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, मतलब ये देखें ये शेल इसने तोड़ दिया खुद से और देखिए बिल्कुल ठीक लग रहा है यार। मुझे हल्का सा इसको खून लगा हुआ है लेकिन इसकी खैर है। तो माशाल्लाह देखिए हमारा चूज़ा बिल्कुल ठीक है और एक्टिव भी लग रहा है मुझे। मैं इसको कबूतरी के नीचे रखने की कोशिश करता हूँ, देखो बहुत ठंडा हुआ पड़ा है यार। इसको चाहिए कि इसको नीचे रखे अपने यार, इसको हीट देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रही, ऐसे रख देता हूँ मैं नीचे। इसको दोबारा देखूंगा कि बच्चा ठीक है या नहीं है, इसको माँ सही से पाल रही है या नहीं पाल रही, क्योंकि कबूतरी का तो भाई भरोसा नहीं है कि वो किस तरह से इसको इनक्यूबेट करती है। अंडा तो जैसे किसी ने पाल लिया था, क्योंकि अंडे का इसको नहीं पता था कि ये मेरा है किसका, क्योंकि अंडा तो सेम होता है। लेकिन अब तो बच्चा निकल आया, तो बच्चे को देखने के बाद ये थोड़ी सी मुझे लगा है कि इसको लग रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही थी इससे। तो अभी तो मैंने नीचे रख लिया कबूतरी के, तो देखते हैं अगर ये बाहर निकाल लेती है इसको या इसको मारती है तो मैं इसको निकाल के इसको खुद से कोई ना कोई इसका बंदोबस्त करना होगा हमें, और इसकी फीड वगैरह भी देखनी होगी ये क्या खाता है क्या नहीं खाता। खैर अभी निकला होगा तो थोड़ी देर बाद मैं आके देखता हूँ दोबारा कि क्या कंडीशन है। तो यार अभी जा रहा हूँ मैं मिक्स दाना लेने के लिए, क्योंकि मिक्स दाना ख़त्म हो गया था और मैं कह रहा हूँ जल्दी से ले आऊँ, क्योंकि हमारी मुर्गियाँ भूखी हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा और वो कुछ नहीं खाती, छोटा दाना बहुत कम खाती हैं। उनके लिए मैं मिक्स दाना भी लेके आता हूँ और जो किचन में जो चीज़ें पड़ी होंगी वो भी उनके लिए यूज़ करते हैं। अभी चलते हैं शॉप पर और मिक्स दाना लेके आते हैं। ये आज मिक्स दाना यहाँ से लेते हैं,
मैं भी ये हटा लेता हूँ, थोड़ा सा इनको डाल लेता हूँ, ऐसे ही ये खाते रहेंगे। शाबाश, आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो यार कल की वीडियो में बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि आपने डायमंड को कलर जो है ना सही नहीं किया, उसकी शक्ल ख़राब हो गई है, बहुत ही बदसूरत लग रहा है वो। तो यार मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि डायमंड की जो है ना शक्ल ख़राब हुई है, लेकिन कुछ भाई ऐसा कह रहे थे कि आपने जो कलर यूज़ किया ना ये इसके लिए हार्मफुल था, इसमें केमिकल्स होते हैं और डायमंड की स्किन भी ख़राब हो सकती है इससे, तो इससे ख़तरा था डायमंड को, आपने ऐसा क्यों किया है। तो भाई मैं एक बात बता दूँ आपको, ये जो कलर मैंने यूज़ किए हैं ये कोई चीज़ जो है ना केमिकल्स वाले नहीं थे, ये सारे फूड कलर्स थे जो हम खानों में यूज़ करते हैं ना वो वाले थे, इसमें कुछ ऐसा हार्मफुल नहीं था जो कि इसकी स्किन के लिए होता ख़राब या इसकी आँखों के लिए कुछ ऐसा होता, तो कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैंने जानबूझ के ये वाला कलर लिया था कच्चा वाला, ताकि कोई प्रॉब्लम भी हो तो भाई हम कलर तो उतार सकें। ठीक है यार, इसको मैं ठीक कर लूँगा, आज या कल इसको सही कर दूँगा, ठीक है, अब टेंशन ना लें। ओके, तो हमेशा पॉजिटिव सोचा करें, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते। तो अभी चेक करते हैं यार हमारे चूज़े की क्या कंडीशन है। काफ़ी बेहतर लग रहा है अभी, और कबूतरी भी इसके साथ बैठी, इसको मार भी नहीं रही, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो मैंने बच्चे को दोबारा इसके नीचे रख दिया है ताकि इसको प्रॉपर हीट मिले, क्योंकि ये जो पहले 3-4-5 घंटे होते हैं ना इसमें चूज़े को हीट चाहिए होती है। मुर्गी भी ऐसा ही करती है, तो मैंने भी ऐसा कर दिया, अभी तक तो सब ठीक है यार। उम्मीद तो अच्छे की है कि पाल लेगी ये और हम भी साथ साथ इसकी मदद करते रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद दोबारा आते हैं और देखते हैं कि हमारा चूज़ा चलने के काबिल हुआ है या नहीं हुआ, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो यार सुबह से शाम हो गई है, तो अभी चेक करते हैं कि क्या हमारे कबूतर उस बच्चे को कुछ खिला भी रहे हैं, क्या वो भूखा तो नहीं है, पानी भी पिया उसे या नहीं पिया, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि कुछ नुकसान तो नहीं हुआ उसका। माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है यार, यानी कि बच्चे को सही हीट मिल रही है और सही इन्वायरमेंट मिला हुआ है। बस ये चेक करना है कि क्या इसके पेट में कुछ है या खाली है, तो अभी चेक करते हैं। ओके माशाल्लाह, देखिए पाँव पे भी खड़ा हो गया और ये देखिए बिल्कुल एक्टिव लग रहा है मुझे, और इसका पेट चेक करता हूँ अभी मैं, इसको बाहर ही उठा लेते हैं यार। आ जाओ। माशाल्लाह क्या बात है यार, ये तो बिल्कुल ठीक है यार, हो गई उसकी माँ। यार इसका मैं पेट चेक कर लूँ, नहीं यार बिल्कुल खाली है। सबसे पहले यार मैं इसको पानी देता हूँ, कौन सा पानी, वो जो मीठा पानी होता है ना चीनी वाला, वो इसको देते हैं, इसका गला इससे साफ हो जाएगा। तो जल्दी से मैं चीनी वाला पानी बनाता हूँ इसके लिए और इसको पिलाता हूँ। तो यार पानी भी बन चुका है और मैं एक कंगनी भी ले आया हूँ, बहुत छोटा दाना है ये, मेरे ख्याल में ये चूज़ा इसको खा लेगा, लेकिन पहले पहले दिन तो बहुत बसला होता है, उसको तो माँ सिखाती है ऐसे चूज मार मार के भी ऐसे तुमने खाना है, अभी मैं इसको कैसे सिखाऊँ। और कबूतर तो वैसे भी लिफ्ट नहीं करा रहा, बस वो आराम से बैठे हैं, उसको सिखा नहीं रहे खाना, क्योंकि वो तो कबूतर है ना भाई, कबूतर तो नहीं सिखा सकते ना, वो तो डायरेक्ट चूज में खाना डालते हैं। मुर्गी का बच्चा तो खुद से चुगता है, तो ये इनका बन नहीं रहा आपस में, तो मैं खुद इसको सिखाता हूँ, आज कोशिश करता हूँ, क्या पता यार खा ले। ये रहा जी तुम्हारा पानी और तुम्हारा खाना, बिस्मिल्लाह आराम से खा लो, फर्स्ट टाइम। चलो ये देखो, ये मेरे उंगली को फॉलो कर रहा है, और ये देखें पानी पी रहा है यार ये देखें। तो यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, और भी पियो भाई, और भी पियो। ये देखो मैं उंगली का इशारा करता हूँ ना, तो उसको फॉलो करता है, ये पानी पी लेगा ना जब ये, तो इसको मैं इसके अंदर छोड़ूंगा, फिर देखते हैं ये कैसे खाता है, असली काम तो ये है ना भाई। तो पानी इसने पी लिया मेरे ख्याल में, अब बारी है इसके दाना खाने की। चलो जी बिस्मिल्लाह। तो यार कोशिश तो कर रहे हैं ये खाने की, ये देखें, लेकिन देखते हैं कि ये खा पाता है या नहीं खा पाता। ए, 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 ए। कोशिश कर रहा है पूरी पूरी यार, मुझे उम्मीद है कि ये सीख जाएगा। ऐसे खाओ 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 खाओ, ये देखो, ये देखो खाता है, जैसे मैं उंगली करता हूँ ना ऐसे ऐसे, फिर ये खाता है। गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट, शाबाश। इसने पहला दाना खा लिया यार, मैंने अभी देखा अपनी आंखों से, शाबाश शाबाश शाबाश, खाओ खाओ खाओ, तुम कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये दाना इससे बड़ा है यार, तो इसको मुझे मज़ीद छोटा करना होगा ताकि आसानी से खा सके। ये साइड मैं नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ पे मिर्चें लगी होंगी।
क्योंकि यार सारी रात है, तो मैं चाहता हूँ कि पेट भर के खा ले, फिर सुबह देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन आज रात तो इसकी सही गुजरनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही वो काफ़ी वीक है। जब इसको पूरी इसकी खुराक नहीं मिलेगी तो ये मर भी सकता है, तो इसलिए मुझे पूरी कोशिश करनी होगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा खा ले, तो अच्छा ही रहेगा यार इसके लिए। तो यार मैंने एक चीज़ सोची है, इसका साइज़ और इसका कलर देख के मेरे जहन में इसके लिए एक नाम आया है। आप दोस्तों ने लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा। मैंने इसका नाम सोचा है पिकाचू। आपने बताना है कि ये नाम कैसा है, क्योंकि इसका कलर भी बिल्कुल पीला पिकाचू की तरह है, जो कार्टून लगते थे पिकाचू, मैं तो देखता था बचपन में, इसको देख के मुझे वही याद आ गया। तो यार मैंने इसका नाम रख दिया है अब पिकाचू। देखें कितना क्यूट सा है यार, इसका नाम तो बनता है यार पिकाचू। ये देखो अभी भी ये खाएगा, इसको थोड़ी बहुत भूख लगी है, जो ये हम इसकी ये भी मिटा देंगे। तो ये थी यार आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे पिकाचू के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि इसको दुआओं की ज़रूरत है यार, ये अकेला है बेचारा। पर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी बड़ा हो जाएगा हमारा पिकाचू। तो ये था आज का व्लॉग, लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।